सो टॉपिक फॉर टुडे इज रिटर्न्स अंडर जीएसटी. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज रिटर्न्स मतलब एक फॉर्म होता है जो अपने को गवर्नमेंट को भर के देना पड़ता है, जिसका फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करके रखता है. इनकम टैक्स में जो रिटर्न्स होता है उसका फॉर्मेट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है, जिसमें आप लोग को 5 हेड्स ऑफ इनकम का डिटेल डालना पड़ता है, डिडक्शंस, एग्जेम्पशन सबका डिटेल डालना पड़ता है. सिमिलरली जीएसटी के अंदर भी रिटर्न्स के फॉर्म ऑलरेडी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं, आप लोग को डाउनलोड करने का है, डाउनलोड करके फॉर्म फिल करने का है और वही वेबसाइट पे वापस से अपलोड करने का है. सो बेसिकली रिटर्न्स इज डिटेल्स विच वी नीड टू प्रोवाइड टू गवर्नमेंट एंड दोज डिटेल्स हैव अ फिक्स्ड फॉर्मेट जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब होता है. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को है ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है. डिपार्टमेंट ने क्या किया है, जितने भी असेसी है ना दो केस में डिवाइड करके रखा है, एक नॉर्मल केसेस मतलब नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन और एक स्पेशल केसेस. सो रजिस्टर्ड पर्सन या तो नॉर्मल पर्सन होएगा या तो स्पेशल पर्सन होएगा. नॉर्मल पर्सन मतलब हर एक पर्सन नॉर्मल ही है, सिर्फ 5 लिस्ट है जो स्पेसिफिक अलग है. सर नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, नॉर्मल पर्सन को गवर्नमेंट को मिनिमम साल में 4 डिटेल देना पड़ता है, उसमें से 3 डिटेल एवरी मंथ जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक जाता है सेक्शन 37 के अंदर GSTR 1 फॉर्म में डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो अपने को गवर्नमेंट को एवरी मंथ के 10th को देना पड़ता है. सो एवरी मंथ मतलब आज अगर अप्रैल चालू है तो 10th मई को मेरे को गवर्नमेंट को अपने पूरे महीने के सेल्स का डिटेल देने का है. तो GSTR 1 कंटेन्स डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो मंथली बेसिस पे फाइल होएगा और उसका ड्यू डेट 10th है. हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को मतलब मैंने अपने सेल्स का डिटेल अप्रैल का 10th मई को दिया, मैं ही गवर्नमेंट को अपने परचेस का डिटेल दूंगा ऑन 15th ऑफ मई, दैट विल कंटेन डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड दैट विल बी इन फॉर्म नंबर GSTR 2. GSTR 1 कंटेन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, GSTR 2 कंटेन्स डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, GSTR 1 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ को फाइल होता है और GSTR 2 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ को फाइल होता है. अभी ये जो GSTR 1 मैंने फाइल किया उस पर मेरे को टैक्स भरने का जरूरत नहीं होता है. तो मैंने GSTR 1 फाइल किया मतलब मुझे टैक्स भरने का है नहीं, मैंने जो GSTR 1 फाइल किया उसमें मैंने सेल्स को क्लासिफाई किया है, कौन सा सेल इंट्रा स्टेट है कौन सा सेल इंटर स्टेट है वो आगे अपन पढ़ेंगे, GSTR 1 का पूरा इन डेप्थ स्टडी है. सो वो जो GSTR 1 है उसके अंदर डिफरेंट सेल्स का डिटेल अपन देता है इंट्रा इंटर, जिसके हिसाब से रेट ऑफ टैक्स डिसाइड होता है. तो वो जो सेल्स के ऊपर टैक्स है उसको अपन बोलते हैं जीएसटी लाइबिलिटी. अपन ने परचेस पे जो टैक्स पे किया है वो अपने लिए जाता है जीएसटी क्रेडिट में. तो सेल्स का जो टैक्स है वो लाइबिलिटी लेजर में जाएगा, परचेस का जो टैक्स है वो क्रेडिट लेजर में जाएगा. तो कितना टैक्स आउटपुट पे है, कितना परचेस पे आईटीसी मिलने वाला है, उसका डिटेल अपने को देना पड़ता है जीएसटीआर 3 के अंदर, जो मंथली रिटर्न होता है जीएसटीआर 3 जो 20th ऑफ एवरी मंथ अपने को फाइल करना पड़ता है. सर रिटर्न से तीनों में से किधर लिखा हुआ है, रिटर्न सिर्फ थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है जीएसटीआर 3 में. सो जीएसटीआर 1 इज जस्ट डिटेल्स ऑफ सेल्स, उसको अपन रिटर्न नहीं बोलते हैं. GSTR 2 इज डिटेल ऑफ परचेज, उसको भी रिटर्न नहीं बोलते हैं. GSTR 3 अपना एक्चुअल रिटर्न होता है, जहां पे टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स पेएबल वो सब अपन डिटरमाइन करता है. व्हाट इज GSTR 1, व्हाट इज GSTR 3 अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बट ये चैप्टर आगे बढ़ने से पहले याद रखना, एक नॉर्मल पर्सन को मिनिमम 4 डिटेल देना पड़ता है. GSTR 1 में एवरी मंथ सेल्स का डिटेल देगा, GSTR 2 में एवरी मंथ परचेस का डिटेल देगा, GSTR 3 में एवरी मंथ टैक्स पेमेंट का डिटेल जाएगा और ड्यू डेट है 10th, 15th और 20th. ये एवरी मंथ अपने को फाइल करने का है, नॉर्मली हर एक महीने में फाइल करने का है, मतलब 12 बार आउटवर्ड सप्लाई, 12 टाइम्स इनवर्ड सप्लाई एंड 12 टाइम्स मंथली पेमेंट. इसके बाद पूरा ईयर एंड होने के बाद गवर्नमेंट बोलता है 31st दिसंबर तक, पूरा ईयर एंड होने के बाद वाला दिसंबर मतलब नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है. सो 2021 अप्रैल 20 से लेके मार्च 21 तक का जो भी अपन ने डेटा ऑलरेडी सबमिट किया है, गवर्नमेंट बोलता है वो डेटा तुम लोग एक समराइज फॉर्म में वापस से सबमिट करो, दैट इज GSTR 9 एनुअल रिटर्न. दैट इज क्या बोला, GSTR 9 एनुअल रिटर्न, जो अपने को नेक्स्ट ईयर के 31st दिसंबर के पहले फाइल करने का है. सो 2021 का एनुअल रिटर्न जाएगा 21-22 के 31st दिसंबर तक, और उसमें क्या होएगा वो भी अपन नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे.
तो ये सिर्फ मैं एक समरी दे रहा हूं कि एक नॉर्मल पर्सन को मिनिमम चार फॉर्म भरना रहता है, मंथली बेसिस पे तीन फॉर्म और एनुअल बेसिस पे एक फॉर्म। मंथली बेसिस पे जीएसटीआर 1, 2, 3 जाएगा 10th, 15th, 20 तक, और एनुअल बेसिस पे जीएसटीआर 9 जाएगा, जिसमें जीएसटीआर 1, 2, 3 का ही डिटेल मोस्टली जाता है। मोस्टली मतलब 99% वही डिटेल रहता है। सिर्फ अगर कुछ एंट्रीज अपन ऊपर पास करना भूल गए या कोई एंट्री रॉन्ग पास किया तो वो सब इसमें सेपरेट होएगा, अदरवाइज तो डिटेल विल रिमेन सेम। तो दिस इज नॉर्मल केस जो हर एक पर्सन को ऐसा करना पड़ता है। हाउएवर डिपार्टमेंट बोलता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कंपोजिशन डीलर, डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जिन लोग को टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल है, और डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है ओआईडीएआर। ये टोटल 5 केसेस है जिसके रिटर्न्स ये वाले नहीं होते हैं, मतलब जीएसटीआर 1, 2, 3, 4 ये सब इन लोग को एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जीएसटीआर 1, 2, 3, 9 इन लोग के लिए सेपरेट प्रोविजन है। सर इन लोग का डेफिनेशन क्या, व्हाट इज आईएसडी, व्हाट इज कंपोजिशन डीलर, व्हाट इज एनआरटीपी, सर इन लोग का स्पेशल प्रोविजन क्या है, वो अपन आगे वाले स्टेज पे पढ़ेंगे। जस्ट रिमेंबर जब तक मैं स्पेशल पॉइंट्स में नहीं जाता हूं तब तक याद रखना ये 5 लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सो आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ओआईडीएआर, टीडीएस टीसीएस, इन लोग के लिए ये जो फॉर्म्स मैंने पढ़ा है वो एप्लीकेबल नहीं है। इन लोग के लिए एक सेपरेट प्रोसीजर है, वो अपन लेटर स्टेज पे पढ़ेंगे। सो बिफोर गोइंग ऑन टू द चैप्टर ऑलवेज रिमेंबर रिटर्न्स मतलब गवर्नमेंट को अपने को डिटेल्स देने का है, और वो डिटेल्स गवर्नमेंट के ही फॉर्म में देने का है। फॉर्म गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे अपलोडेड ऑलरेडी अपलोडेड है, अपने को सिर्फ डाउनलोड करके फिल करके वापस से अपलोड करने का है। जो फॉर्म्स है नॉर्मल केस में 4 फॉर्म मिनिमम आता है, जीएसटीआर 1, 2, 3 एंड 9, और बाकी केसेस में सेपरेट फॉर्म्स आएंगे जो अपन आगे पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अपने सिलेबस में जीएसटीआर 1 एप्लीकेबल है, जीएसटीआर 3 मंथली रिटर्न एप्लीकेबल है, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है, जीएसटीआर 10 करके एक आएगा फाइनल रिटर्न एप्लीकेबल है, और स्पेशल केसेस एप्लीकेबल है। जीएसटीआर 2 अभी तक एप्लीकेबल नहीं है, क्यों एप्लीकेबल नहीं है वो थोड़े टाइम में मालूम पड़ जाएगा। जीएसटीआर 1 इज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। सर बेसिक पहले बोल दो ना, जीएसटीआर 1 क्या है, किसको फाइल करने का है, तो जीएसटीआर 1 कौन फाइल करेगा, हर एक रजिस्टर्ड आदमी करेगा। तो अगर मैंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, अगर मेरे पास जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो मेरे को जीएसटी आर 1 फाइल करना जरूरी है। अगर सेल्स नहीं है तो निल रिटर्न फाइल करो, बट फाइल तो करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन इज हु इज लाइबल टू फाइल, तो ऑब्वियसली जो टैक्स भरता है उसको फाइल करने का है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करने का है। करंट मंथ में सेल्स नहीं है तो निल रिटर्न फाइल करो, बट फाइल तो करना पड़ेगा। सर जीएसटी आर 1 हर एक को फाइल करने का है क्या, ऑलवेज हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करने का ही है, बट वो 5 केसेस को छोड़ के, बिकॉज इन लोग के लिए सेपरेट प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। तो सीटीपी सॉरी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, टीडीएस टीसीएस, ओआईडीआर, कंपोजिशन डीलर, इन लोग के लिए सेपरेट फॉर्म है, इसके लिए मैंने इसको एक्सक्लूजन में रखा हुआ है। सो सर हु इज लाइबल टू फाइल जीएसटीआर 1, तो इट इज लाइबल टू बी फाइल्ड बाय एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। What is due date of filing of GSTR 1? तो ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मंथली बेसिस पे फाइल होएगा, मंथली बेसिस में 10th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ फाइल होएगा। सो अप्रैल का रिटर्न जाएगा 10th ऑफ मई को, मई का जाएगा 10th ऑफ जून को, जून का जाएगा 10th ऑफ जुलाई को। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इसको शायद बोलने में रिटर्न्स बोल रहा हूं, बट गवर्नमेंट इसको रिटर्न्स नहीं मानता है। जहां पे भी वर्ड रिटर्न्स लिखा है मतलब जीएसटीआर 3 की बात चल रही है, जीएसटीआर 1 इज जस्ट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब सेल का इंफॉर्मेशन दिया है। तो मैं अगर बोलने में रिटर्न्स बोलूंगा बट गवर्नमेंट रिटर्न्स नहीं मानता है, गवर्नमेंट एक ही फॉर्म को रिटर्न मानता है, मंथली रिटर्न जीएसटीआर 3 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जीएसटीआर 1, इट कंटेन्स डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। Who is liable to file GSTR 1? Every registered person is liable to file GSTR 1 except अपने 5 cases वाले। Sir, what is due date of filing GSTR 1? It is filed on monthly basis by 10th of the succeeding month। अब क्या हो गया? Excise law जब applicable था, अभी तो delete हो गया है, but उसमें small scale industry का concept था। जिन लोग को monthly के बदले quarterly compliances होता था, तो normally हर एक manufacturer monthly basis पे tax भरता था, but इन लोग को quarterly basis बुला हुआ था। अब एक्साइज ड्यूटी हटने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, जीएसटी में गवर्नमेंट ने सिर्फ मंथली वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे पहले एक्साइज के अंदर, उन लोग को ये बर्डन लगने लग गया। बोला कि सर पहले हम लोग को साल में 4
बार प्रोविजन था, अभी साल में 12 बार प्रोविजन हो गया है, तो गवर्नमेंट ने एक न्यू लिमिट डाल दिया है, बोलते हैं स्मॉल टैक्स पेयर। व्हाट इज स्मॉल टैक्स पेयर? जिन लोग का टर्न ओवर 1 करोड़ 50 लाख के नीचे, अप टू 1 करोड़ 50 लाख, अप टू मतलब दैट अमाउंट और लेस देन दैट अमाउंट, उन लोग को जो रिटर्न फाइल करने का है वो क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ मंथली। किसकी बात चल रही है यार? मैं सर रिटर्न्स मतलब जीएसटीआर 3 नहीं, मैं पढ़ाने के लिए जीएसटीआर 1 पढ़ा रहा हूं। तो जीएसटीआर 1 में एक्सेप्शन है, नॉर्मल केसेस में मंथली बेसिस पे फाइल करना पड़ता है, बट स्मॉल टैक्स पेयर के लिए क्वार्टरली बेसिस बोला है। ड्यू डेट सेम है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल मई जून का 10th जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर का 10th अक्टूबर, सो ड्यू डेट इज 10th, सिर्फ पीरियोडिसिटी बदल गया। नॉर्मल लोगों को मंथली बेसिस पे फाइल करना पड़ता है, इन लोग को क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा। किन लोग को क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना पड़ेगा? जिन लोग का टर्न ओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीज है। आई थिंक समझेगा सर। फाइल कौन करेगा मालूम पड़ गया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन करेगा। फाइल करने का ड्यू डेट क्या है वो भी मालूम पड़ गया। सर फाइल करने का कैसे? फॉर्म डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो, हाथ से भरो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाओ? नहीं, तो गवर्नमेंट बोलता है कि सबमिट करने के लिए ऑनलाइन सबमिट करोगे, दैट इज सफिशियंट। अगर तुम लोग को खुद को ऑनलाइन सबमिट करने आता है तो तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाओ, एकदम ईजी है, अपना लॉग इन आईडी पासवर्ड डालो, ऑप्शन आता है उसमें अपलोड कर दो। अगर तुम लोग को अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो डिपार्टमेंट को बोलते हैं फैसिलिटेशन सेंटर, वो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। अगर तुम लोग को रिटर्न भरने नहीं आता है तो तुम लोग वो फैसिलिटेशन सेंटर्स पे जाओ, उन लोग तुम लोग को हेल्प करेगा रिटर्न अपलोड करने में। मैं बोल रहा हूं रिटर्न भरने में तो तुम लोग को ही भरने का है, अपलोड करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स ऐड होता है। ये जो न्यू पॉइंट मैंने पढ़ा है वो सबमिशन का पॉइंट है। फाइलिंग सबमिट मतलब गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा कैसे? तो इट हैज टू बी फाइल्ड ऑनलाइन, डायरेक्टली फाइल करो या फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू फाइल करो, तुम्हारा मर्जी, बट हैज टू बी फाइल्ड अपलोडेड ऑनलाइन, ऑफलाइन का प्रोसीजर नहीं। सर व्हाट इज जीएसटीआर 1? जीएसटीआर 1 इज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल किसको देने का है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को। ड्यू डेट क्या है? 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। 5 लोगों को 1 का डिटेल नहीं देने का है और स्मॉल टैक्स पेयर को क्वार्टरली डिटेल देने का है। इसमें सेल्स का इंफॉर्मेशन जाता है, ऑनलाइन अपलोड करने का है या तो खुद डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो या तो फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू कर सकते हो। डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है कि जीएसटीआर 1 अपलोड करने का ड्यू डेट, प्लीज रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट है, जीएसटीआर 1 एंड ऑफ द मंथ में अपलोड नहीं हो सकता है। सर मतलब सपोज 1 अप्रैल से 25 अप्रैल हो गया, आज सपोज अज्यूम करो 25 अप्रैल है, मैं 100% श्योर हूं कि नेक्स्ट 5 दिन में मेरा कोई सेल्स नहीं होने वाला है, वॉट एवर माइट बी द रीजन। तो मैं श्योर हूं कि 5 दिन में सेल्स नहीं होने वाला है, तो मैंने ये सोच लिया ये 5 दिन में अगर सेल्स नहीं हो रहा है तो मैं जीएसटी 1 जो है जीएसटीआर 1 वो 26 अप्रैल को फाइल कर देता हूं, बिकॉज 1 से 25 की सेल का डिटेल अवेलेबल है और आगे सेल का डिटेल अवेलेबल ही नहीं है। सो डिपार्टमेंट बोलता है नहीं चलेगा, टिल द मंथ एंड वो रिटर्न अपलोड नहीं हो सकता है या अपलोड नहीं करने का है, बिकॉज नहीं तो गवर्नमेंट ने और भी डेट्स पे, जैसे 20 तारीख को अलग प्रोसीजर है, 25 तारीख का अलग प्रोसीजर है, तो गवर्नमेंट बोलता है वो जो मंथली डेट है ना उसमें हम लोग का कोई कोलाइड हो जाएगा, तो इसलिए पूरे मंथ का रिटर्न तुम लोग सेम मंथ में फाइल नहीं कर सकता है, नेक्स्ट मंथ में फाइल करना कंपलसरी है। तो 25 तारीख तक अगर तुम लोग शोरों के इतना ही सेल होने वाला है तो भी तुम लोग रिटर्न जब फाइल करेगा 1 मई ऑनवर्ड्स फाइल कर सकता है। 1 मई सर 10th मई एग्जैक्ट जरूरी नहीं है, इट हैज टू बी अप टू 10th मई, मतलब 1 से 10th के बीच में फाइल हो सकता है। तो जीएसटीआर 1 कभी फाइल नहीं हो सकता है, तो वो तुम लोग के एंड ऑफ द मंथ के पहले फाइल नहीं हो सकता है, बाद में ही फाइल हो सकता है। आई थिंक समझेगा। बट सर अगर बिजनेस ही बंद हो गया तो ऑब्वियसली, अगर 25 तारीख को बिजनेस बंद हो गया तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सट्रीम केस बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बेच दिया, वो केस में चलेगा, अदरवाइज तुम लोग को नेक्स्ट मंथ के 1st डे से लेके 10th डे के बीच में फाइल करने। सर अगर फाइल करना भूल गया तो, फाइल करना भूल गया तो सीधा 15 तारीख के बाद होएगा जो भी होएगा, 10 से लेके 15 मतलब 11 12 13 14 15 ये 5 दिन फाइल नहीं कर सकता है, बिकॉज ये 5 दिन जीएसटीआर 2 फाइल करने का डिटेल्स हो जाता है। सो जीएसटीआर 1 कब तक फाइल हो सकता है? 1 से लेके 10 के बीच में फाइल हो सकता है, 11th टू 15th नहीं हो सकता है, वहां पे मैंने 10th लिखा है, इग्नोर करना प्लीज, 11th टू 15th नहीं हो सकता है, 15th के बाद अगर मिसमैच है तो क्या होएगा वो आगे बढ़ेंगे। सो जीएसटीआर 1 कंटेन्स डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई,
it has to be filed on monthly basis. Small taxpayer will file on quarterly basis. Due date is 10th, but end of the month के पहले नहीं file कर सकता है. First से 10th के बीच में file कर सकता है. फिर file करने का है तो 16th onwards हो सकता है. 11th to 15th नहीं हो सकता है, because वो GSTR 2 का details है. ऑनलाइन सबमिट करने का है, या तो डायरेक्टली करो या तो फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू करो. 5 लोगों स्पेशल केस में जाते हैं तो उन लोग को जीएसटीआर 1 फर्निश करने का जरूरत नहीं है. सर जीएसटीआर 1 में डिटेल क्या रहेगा? आपने बोल तो दिया कि फॉर्म डाउनलोड करो, बट उसके अंदर कुछ तो डिटेल रहेगा. तो जीएसटीआर 1 में पहली बात तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अपन महाराष्ट्र का डीलर है. महाराष्ट्र का डीलर होगा, गुजरात किधर का भी होगा, इसमें जो रिटर्न जाएगा दैट इज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. जो भी सेल हुआ है, बिजनेस टू बिजनेस हुआ है, बिजनेस टू कंज्यूमर हुआ है, इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, एक्सपोर्ट सेल, एससीजेड को सेल किया, एग्जेम सप्लाई किया, नॉन टैक्सेबल कुछ भी सप्लाई करो यार, अगर तुम लोग रजिस्टर्ड हो तो तुम लोग को हर एक सेल का डिटेल देना ही पड़ेगा. तो B2B, B2C, जीरो रेटेड, डीम्ड एक्सपोर्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, निल रेटेड सप्लाई, एग्जाम, नॉन, इफ यू आर रजिस्टर्ड तो आप लोग को डिटेल देना ही पड़ेगा. तो इन दैट केस अगर एग्जाम, सपोज मैं लेक्चर ले रहा हूं, मैं दो जगह पे लेक्चर लेता हूं, एक प्री स्कूल में लेक्चर लेता हूं और एक मैं CA के कोचिंग क्लासेस में लेक्चर लेता हूं. जो प्री स्कूल में मैं लेक्चर ले रहा हूं, अज्यूम करो वो एग्जाम्ड है, और जो कोचिंग क्लासेस में मैं लेक्चर ले रहा हूं वो टैक्सेबल है. बट जब मुझे सेल्स का डिटेल देने का है तो प्री स्कूल से कितना पैसा मिला वो भी डिटेल जाएगा, और कमर्शियल कोचिंग से कितना मिला वो भी जाएगा. पूरे सेल्स का डिटेल देने का है, टैक्स आएगा नहीं आएगा वो ऑटोमेटिकली कॉलम वाइज आ जाएगा. तो सर डिटेल आउटवर्ड सप्लाई का जाता है. सर किसको आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो? मेन तो दो ट्रांजेक्शन है, B2B एंड B2C. B2B मतलब सर, B2B मतलब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तभी तो मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं. जो मेरे से सामान खरीदने आया वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है. मैं रजिस्टर्ड हूं और जो मेरे से सामान खरीदने आया वो भी रजिस्टर्ड. फॉर एग्जाम्पल मैं कौन हूं? नीरज शर्मा, हु इज रजिस्टर्ड अंडर GST. मैं जो क्लास में लेक्चर ले रहा हूं वो क्लास भी सपोज रजिस्टर्ड है, तो जब मैं उन लोग को बिल बना के दूंगा तो वो B2B सप्लाई में आएगा. जो क्लास में तुम लोग ने एडमिशन लिया है, तुम लोग अनरजिस्टर्ड हो, तो क्लास वाला बोलेगा कि वो B2C सप्लाई है. तो जब मैं अपना सेल बताऊंगा तो मैं B2B में बताऊंगा, मतलब मैं ऐसा बताऊंगा कि मैंने रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सेल किया है, और जब क्लासेस वाला सेल बताएगा तो वो बताएगा कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया. सर इसको अलग अलग क्यों बताने का है? अलग अलग इसलिए बताने का है बिकॉज जब मैं सामने वाले को सेल करूंगा तो सामने वाले के लिए वो परचेज बनेगा, तो जब मैं सेल पे टैक्स भरूंगा तो उसका उसको क्रेडिट मिलता है. आई थिंक समझा मैंने क्या बोला. सो अगर मैंने सेल्स बताया तो वो उसी को परचेस बताएगा, जो मेरे लिए आउटवर्ड टैक्स है वो उसके लिए इनवर्ड टैक्स हो जाएगा. तो ये टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा और उसका क्रेडिट सामने वाला ले लेगा. तो क्रेडिट लेने के लिए सामने वाले को मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर देना जरूरी है. तो अगर मैं चार क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्लास A, B, C, D, ये चारों क्लासेस रजिस्टर्ड है, तो जब मैं इन लोग को सप्लाई करूंगा तो मेरे को इनवॉइस वाइज डिटेल देना पड़ेगा. चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई होएगा या इंटर स्टेट सप्लाई होएगा, डिटेल विल बी इनवॉइस वाइज. मतलब सर क्लासेस ए महाराष्ट्र में है, बी महाराष्ट्र में है, सी और डी गुजरात में. तो ये चार क्लासेस में से दो इंट्रा वाला है, दो इंटर वाला है. बट जब मैं गवर्नमेंट को डिटेल दूंगा ना तो मैं रजिस्टर्ड कॉलम में जाऊंगा, मतलब जो GSTR 1 है उसमें अलग अलग टेबल्स है, Table 1, Table 2, Table 3. तो जो रजिस्टर्ड रेसिपियंट है, मतलब मैंने जिसको सप्लाई किया वो सामने वाला रजिस्टर्ड है, उसका मैं एक एक बिल का डिटेल दूंगा. एक एक बिल का डिटेल मतलब चार लोगों को सप्लाई किया तो चारों बिल का डिटेल अलग अलग जाएगा. सर ऐसे तो आपके केस में चार क्लास है. सर जो पेन बेचने वाला है, सेलो वाला, सर सेलो के तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे डीलर होंगे, सब डीलर रजिस्टर्ड होंगे. तो सेलो वाला एक दिन में अगर 500 बिल बनाता है तो एक महीने में सपोज वो रफली 15,000 बिल बनाता है. तो सर 15,000 बिल बनाता है तो 15,000 बिल का डिटेल सेपरेट देना जरूरी है, बिकॉज सबका जीएसटी नंबर अलग अलग डालोगे तभी सामने वाले का इनवर्ड सप्लाई रिफ्लेक्ट होगा. कैसे रिफ्लेक्ट होएगा एक मिनट में मालूम पड़ जाएगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर चार बिल है तो चारों बिल का डिटेल अलग डालो, 15,000 बिल है तो 15,000 बिल का डिटेल अलग डालो. अपने को ऐसा मैन्युअली डालना नहीं पड़ता है, जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे टैली है, तो टैली से ऑटोमेटिकली वो लिंक हो ही जाता है, तो अपने को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं रहता है. टैली में नॉर्मल सेल का बिल तो पास करता ही आदमी, वो ऑटोमेटिकली GSTR 1 से लिंक हो जाता है. सो डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है कि अगर मैं सप्लायर हूं,
सामने वाला रेसिपियंट है और वो रजिस्टर्ड है, मतलब उसको क्रेडिट लेने का है, तो मुझे उसका डिटेल इनवॉइस वाइज डालना पड़ेगा। तो चारों क्लासेस का रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अपने जीएसटीआर वन में लिखूंगा। तो मेरे जीएसटीआर वन में क्लासेस ए का जीएसटी नंबर लिखूंगा, बी का लिखूंगा, सी का लिखूंगा, डी का लिखूंगा, और मैं बताऊंगा कि ये रेसिपियंट है जिन लोग ने मेरे से सर्विस लिया है। बट सर अगर अनरजिस्टर्ड है तो? अनरजिस्टर्ड में गवर्नमेंट बोलता है कौन सा सप्लाई है वो मैटर करता है, इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड था ये वाले साइड पे, तो रजिस्टर्ड वाले केस में रजिस्टर्ड में इंट्रा होएगा या इंटर होएगा, इनवॉइस वाइज डिटेल देना जरूरी है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग को इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए ही नहीं, बिकॉज सामने वाला क्रेडिट ही नहीं लेता है। तो अगर क्लासेस वालों ने स्टूडेंट लोग को बिल बना के दिया, तो एक क्लास में 1000 स्टूडेंट है, तो 1000 स्टूडेंट का डिटेल एक ही लाइन में जाता है, दैट इज कंसोलिडेटेड डिटेल। क्या बोला? कंसोलिडेटेड डिटेल। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब वैल्यू ऑफ फीस, तो एक बच्चे का फीस 10,000 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 बच्चे, टोटल उसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लिख के अपन डिटेल सबमिट कर देता है। सो अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, ये फाइल कौन कर रहा है, सप्लायर फाइल कर रहा है, तो मैं अपना आउटवर्ड, मैं अपना सेल बता रहा हूं, जिसको मैं सेल बता रहा हूं वो अगर रजिस्टर्ड है तो मैं हर एक का बिल डिटेल देगा, जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूं वो अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड के केस में मैं पूरा कंसोलिडेटेड डिटेल दूंगा और टोटल डिटेल के ऊपर आउटवर्ड सप्लाई आ जाएगा। इसमें गवर्नमेंट बोलता है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सामने वाला क्रेडिट नहीं लेने वाला है। सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई में गवर्नमेंट को बड़े ट्रांजेक्शन ट्रैक करने हैं बस, ना इंटर स्टेट में सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। मैं लेक्चर ले रहा हूं गुजरात की क्लासेस के लिए और गुजरात का क्लास वाला अनरजिस्टर्ड है, तो उसको आईटीसी मिलने वाला नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। बट गवर्नमेंट बोलता है कि अगर 2.5 लाख रुपए का ऊपर बिल बना के दिया तो इनवॉइस वाइज डिटेल दो, और अदरवाइज तुम लोग कंसोलिडेटेड डिटेल दे सकता है। इसमें गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट बड़े ट्रांजेक्शन का ट्रैक रख रहा है बस, मतलब समझाएगा। तो अगर मैं क्लासेस वाला हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैंने 4 क्लासेस गुजरात वाली में पढ़ाया, चारों क्लासेस अनरजिस्टर्ड है, जब मैंने चारों क्लासेस में लेक्चर लिया गुजरात में जाके, 2 क्लासेस से मैंने 3 लाख रुपया फीस लिया और 2 क्लासेस से मैंने 1-1 लाख रुपया फीस लिया। वापस से मैं बोल रहा हूं, प्रोफेसर ने गुजरात की 4 क्लास में जाके पढ़ाया, 2 क्लास से 3 लाख रुपए का फीस लिया, 3-3 लाख रुपया, और 2 क्लास से 1-1 लाख रुपया। तो ये वाले केस में जो 2 क्लास से मैंने 3-3 लाख रुपए का फीस लिया है, वो दोनों के बिल सेपरेट जाएंगे। तो इंटर स्टेट सप्लाई में मैं बिल 1 बिल 2 लिखूंगा, 3 लाख रुपए का वैल्यू। बट जब मैं इंटर स्टेट सप्लाई 1-1 लाख रुपए का कर रहा हूं, तो उसका 1 लाख डिटेल नहीं जाएगा, 2 लाख का डिटेल एक साथ जाएगा, दैट विल बी कंसोलिडेटेड। आई थिंक समझेगा। लास्ट टाइम एग्जांपल दे रहा हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, 4 क्लास में पढ़ा रहा हूं, चारों क्लास अनरजिस्टर्ड है महाराष्ट्र का, मैं भी महाराष्ट्र में हूं, क्लास भी महाराष्ट्र में, चारों क्लास अनरजिस्टर्ड है, 3 लाख रुपया लिया, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, तो भी चारों का डिटेल 8 लाख रुपया एक साथ जाएगा, बिकॉज इंट्रा स्टेट में कंसोलिडेटेड डिटेल जाता है। इंटर स्टेट में 2.5 लाख वाला प्रोविजन आएगा, अगर 2.5 लाख के नीचे तो उधर भी कंसोलिडेटेड जाएगा। बट अगर सर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो? अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो 1 रुपए का बिल बना के दिया तो भी इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगा। व्हाट इज जीएसटीआर वन? इट इज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई किसको किया, रजिस्टर्ड रेसिपियंट या अनरजिस्टर्ड को? रजिस्टर्ड को। रजिस्टर्ड को किया, इंट्रा स्टेट करो या इंटर स्टेट करो, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगा। अनरजिस्टर्ड को किया, इंट्रा किया, कोई भी वैल्यू आएगा, सब डिटेल पूरे महीने का सेल एक साथ लिख दो। इंटर स्टेट किया तो पूरे महीने का डिटेल एक साथ जाता है, बट जो जो सप्लाई में इनवॉइस का वैल्यू 2.5 लाख रुपए के ऊपर है, उन लोग का डिटेल सेपरेट जाएगा। इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट, बट इट इज ओनली टू ट्रैक बिगर ट्रांजेक्शन, और कोई रीजन नहीं है। आई थिंक समझेगा। तो सर जीएसटीआर वन लास्ट टाइम बोल देंगे क्या, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करने का है, वो 5 जन को छोड़ गया। एवरी मंथ फाइल करने का है 10th को, बट स्मॉल टैक्स पेयर 1.5 करोड़ रुपए वाले, उन लोग के लिए क्वार्टरली बेसिस है। ऑनलाइन फाइल करने का है डायरेक्टली या तो फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू, और 30 अप्रैल के पहले फाइल नहीं कर सकता है, 1 to 10 के बीच में कर सकता है, 11 से 15 के बीच में नहीं कर सकता है, उसके बाद हो सकता है।
GSTI 1 का कंटेंट आउटवर्ड सप्लाई का है, सारे सेल लिख दो, टैक्सेबल एग्जेम नील रेटेड सब सेल का डिटेल दो, बिजनेस टू बिजनेस अलग जाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर अलग जाएगा, और इनवॉइस वाइज और कंसोलिडेटेड सेपरेट जाएगा। सर ये ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने किया, GSTR 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है? नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज समझना, रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझना। डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना, बट रीजन समझना मेन है। सर्विस टैक्स के अंदर क्या होता था, 10 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो सर्विस टैक्स पेएबल आ जाता था, 10 लाख के ऊपर है तो सर्विस टैक्स पेएबल था अंडर सर्विस टैक्स। मेरा जो टर्नओवर है ना वो 7 लाख रुपीज का था, जीएसटी को भूल जाओ, मैं सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूं। टर्नओवर कितना बोला मैंने, 7 लाख रुपया, मेरा सर्विसेज का टर्नओवर 7 लाख रुपया था, तो मैं रजिस्ट्रेशन तो ले ही सकता हूं। रजिस्ट्रेशन तो तुम लोग बिजनेस चालू करके तुरंत ले लो तो भी गवर्नमेंट नंबर दे देगा, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हर एक को मिलता है। तो मैंने 7 लाख के टर्नओवर में रजिस्ट्रेशन ले लिया। मैं जो जो क्लासेस में पढ़ा रहा हूं ना, मैंने वो सब क्लासेस में बोला कि सर मेरे को जीएसटी एप्लीकेबल है, सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। तो उन लोग ने बोला सर कोई बात नहीं, आप बिल बना के हम लोग को दे दो, हम लोग टैक्स के साथ पैसा दे देगा। तो मैंने 4 क्लासेस वालों को 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 4 लाख का बिल बना के दिया, चारों के ऊपर 15% का सर्विस टैक्स का बिल बना के दिया। तो जो सामने क्लासेस वाला है उसने मुझे 1,15,000 रुपया दिया, तो 1,15,000 में से 15,000 का सर्विस टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना चाहिए जो मैंने सपोज नहीं दिया। क्लासेस वाले ने क्रेडिट क्लेम किया 15,000 का, मैंने आउटवर्ड सेल बताया तो उसने परचेज बता के 15,000 क्रेडिट ले लिया और बोला कि इतना टैक्स कम हो जाएगा। अब क्या हुआ, मैंने सेल्स बताया, सर्विस टैक्स भी लिया, गवर्नमेंट को नहीं भरा। अब मेरा टर्नओवर 7 लाख रुपया है, 5 लाख है, 3 लाख है, तो ये स्मॉल असेसी हो गया। तो गवर्नमेंट इन लोग का असेसमेंट करेगा, इन लोग के लिए इंस्पेक्शन करेगा, वो बहुत रेयर चांस होता है। तो मुझे मालूम है कि मेरे फंसने के चांसेस नेगेटिव है, तो मैं सर्विस टैक्स ले रहा हूं बट मैं गवर्नमेंट को नहीं दे रहा हूं, मेरा फोकट का पैसा आ गया। सामने वाला क्रेडिट ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है मतलब गवर्नमेंट को उतना टैक्स कम मिल रहा है। सर गवर्नमेंट को उतना टैक्स कम मिल रहा है तो इन दैट केस अगर सपोज सामने वाला बड़ा एंटिटी है, करोड़ में टर्नओवर है, तो उसका अगर ऑडिट होता होगा तो ऑडिटर बिल चेक करता होगा, बिल पे सर्विस टैक्स नंबर मेरा है जो वैलिड है, जाएगा पोर्टल पे तो नंबर तो दिखेगा वैलिड, जीएसटी में इनवॉइस है, मेरा साइन है, एड्रेस है, सर्विस टैक्स नंबर है, सर्विस टैक्स सेपरेटली बताया, तो ऑडिटर तो सब बिल को टिक मारेगा, बिकॉज एवरी बिल इज प्रॉपर ना, बिल में थोड़ी ना मिस्टेक है। तो सामने वाला कभी पकड़ ही नहीं पाएगा कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स भरा या नहीं भरा। मेरे को गवर्नमेंट पकड़ेगा उसका रेयर चांसेस है, बिकॉज अपना टर्नओवर बहुत कम है। तो इसके लिए ना सर्विस टैक्स में टैक्स इवेजन बहुत बड़े स्केल पे होता था। जीएसटी में गवर्नमेंट ने बोला हम लोग को ये चीज नहीं करने का है, हम लोग को एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने का है जिसमें सब चीज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। सर कैसे डिटेक्ट होएगा, GSTR 1 क्या है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो अपन फाइल करता है गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाकर। गवर्नमेंट बोलता है अगर तूने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है, किसको सेल किया है, रजिस्टर्ड पर्सन, तो तूने मैंने अपने फॉर्म नंबर 1 के अंदर क्लासेस वालों का नाम लिखा होगा, क्लासेस ए बी सी डी, और उन लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। गवर्नमेंट बोलता है नीरज ने जब अपने 1 में जीएसटी नंबर लिखा क्लासेस ए का या बी का या सी का या डी का, तो सब क्लासेस वालों को ऑटोमेटिकली उन लोग के पोर्टल पे एक नया फॉर्म मिलेगा, दैट इज GSTR 2A ऑटो पॉपुलेटेड। ऑटो पॉपुलेटेड मतलब क्या, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। तो जब क्लासेस ए वाला पोर्टल पे जाके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा तो उसको ये दिखाई देगा कि नीरज ने 1 लाख रुपए का सेल तेरे को किया है। क्लासेस बी वाला जाएगा तो उसके पोर्टल पे दिखाई देगा नीरज ने 1 लाख रुपए का सेल तेरे को किया है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर नीरज ने कोई क्लासेस वाले से अगर सपोज सर्विस जीएसटी लिया और उसका डिटेल 1 में नहीं डाला तो 2A में सामने वाले को दिखाई नहीं देगा, तो क्लासेस ए को 2A में दिखाई नहीं देगा कि नीरज ने सेल किया है। तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि नीरज ने मेरे को सेल किया है, मेरे से जीएसटी कलेक्ट किया है, बट उसने अपने 1 में नहीं बताया, तो इन दैट केस ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली ट्रैक हो सकता है। आई थिंक समझेगा।
तो जीएसटीआर वन कौन फाइल कर रहा है? नीरज। नीरज किसका डिटेल डालेगा? मैं सामने वाले से रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, अगर उन्होंने नंबर दिया तो मैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ डिटेल डालेगा। जैसे ही मैं उन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालता हूं, गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली एक फॉर्म जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटीआर 2A एंड और एक फॉर्म है जीएसटीआर 4A। वो क्या है मैं बताता हूं। जीएसटीआर 2A किसको मिलेगा? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, जो सामने वाला है। गवर्नमेंट बोलता है 4A ऑटो पॉप। सर व्हाट इज 4A? यार मैंने सामने वालों से नंबर पूछा, उसने मेरे को नंबर दिया, उसमें से जो एक डीलर है वो कंपोजिशन डीलर है। किसी को याद होएगा तो कंपोजिशन डीलर स्पेशल केस में आता है, तो उन लोग के लिए फॉर्म नंबर अलग है, अपने लिए जीएसटीआर 1, 2, 3 और एक 9 है, उन लोग के लिए फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4 है। कौन सा बोला? जीएसटीआर 4। तो इसके लिए कंपोजिशन डीलर, अगर सपोज मैंने तुम लोग को सप्लाई किया, तुम लोग कंपोजिशन डीलर हो, तो तुम लोग का मैं नंबर लिखूंगा, मुझे सोचने का नहीं है तुम लोग कौन हो, तुम लोग ने जो नंबर दिया मैंने लिख दिया बस। गवर्नमेंट का पोर्टल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा ये नॉर्मल पर्सन है या कंपोजिशन डीलर है। नॉर्मल पर्सन है तो 2A जनरेट होएगा, कंपोजिशन डीलर है तो 4A जनरेट होएगा, ये मिलेगा कंपोजिशन डीलर को। लास्ट टाइम रिपीट करेंगे, जीएसटीआर 1 कंटेंट डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, उसमें ऊपर कंटेंट में मैंने बताया बी टू सी में तो कुछ नहीं हो सकता है, वो तो सीधा कंसोलिडेटेड है। बी टू बी में अगर मैंने सामने वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा तो गवर्नमेंट बोलता है तूने जो नंबर लिखा उसके बेसिस पे पोर्टल एक फॉर्म बनेगा 2A एंड 4A। 2A नॉर्मल लोगों को मिलेगा, 4A कंपोजिशन डीलर को मिलेगा। सर लास्ट टाइम चार क्लास को सेल किया, ए बी सी डी, चारों को 1 लाख का सेल किया, बट मैंने ए का बी का सी का डिटेल 1 में लिखा, डी का डिटेल 1 में नहीं लिखा, तो डी के रेसिपिएंट के पोर्टल पे 2A में परचेस दिखाई नहीं देगा बिकॉज सामने वाले ने डी का नाम नहीं लिखा है। बट सर उसके पास, उसको मालूम है ना कि उसने नीरज से परचेस किया है, तो वो अपना जीएसटीआर 2 जब भरेगा ना, 2 क्या था फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पेज पे बोला था, 2 इज डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, तो जो क्लासेस डी है जब वो इनवर्ड सप्लाई का डिटेल भरेगा तो वो बताएगा कि मैंने नीरज से परचेस किया है। तो वो अपने 2 में थोड़ी ना सिर्फ 2A कॉपी करेगा, वो ये देखेगा कि 2A में कौन कौन से लोगों ने उसको सेल किया है, तो जिन लोग ने सेल किया है वो डिटेल प्रॉपर है तो कॉपी करेगा, बट मैंने सेल किया और मैंने डिटेल नहीं डाला तो उन लोग अपने 2 में डिटेल डालेगा। जैसे उन लोग अपने 2 में, और इन लोग 4 में डिटेल डालेगा, और जैसे उन लोग 2 में डिटेल डालेगा एक नया फॉर्म जनरेट होगा ऑटोमेटिकली पोर्टल पे 1A जो मुझे मिलेगा नीरज को। सर वापस एक बार रिपीट करेंगे, नीरज ने अपने जीएसटीआर 1 में क्लासेस ए बी सी का डिटेल डाला, तो क्लासेस ए बी सी तीनों के वेबसाइट पे अलग अलग, नीरज का सेल मतलब उन लोग के लिए परचेस फ्रॉम नीरज ऐसा 3 दिखाई देगा, जिसको कॉपी करके उन लोग जीएसटीआर 2 भरेंगे और आईटीसी क्रेडिट ले लेंगे। हाउएवर अगर एक क्लासेस को मैंने सेल किया बट मैंने अपने परचेज में नहीं बताया, मैंने सेल किया बट सेल में नहीं बताया, मतलब जीएसटीआर 1 में नहीं बताया, तो अगर मैंने अपने जीएसटीआर 1 में नहीं बताया तो उसके 2A में नहीं आएगा। अगर उसके 2A में नहीं आएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने सेल किया है बट बताया नहीं है, तो वो अपने 2 में बताएगा कि मैंने परचेज नीरज से किया है, जिससे 1A जनरेट होगा और नीरज को मिलेगा, और नीरज के उधर लिखा रहेगा ये पार्टी क्लासेस दी मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, उसने परचेज बताया बट आपने सेल नहीं बताया। तो वैसे करके ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म डिटेक्ट हो जाएगा, मतलब जो सर्विस टैक्स में लूप होल था कि एक जन ने टैक्स लिया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो मालूम नहीं पड़ता है, वो इधर ऑटोमेटिकली ट्रैक और ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज अगर मैंने सेल बताया तो उसके परचेज में आ जाएगा, मैंने सेल नहीं बताया तो वो 1A में मालूम पड़ जाएगा कि मैंने मिस्टेक किया। सिमिलरली कंपोजिशन डीलर क्या फाइल करेगा? जीएसटीआर 4 फाइल करेगा। अगर उसने अपना परचेज बताया, मैंने सेल बताया, उसने परचेज बताया, तो सब मैच हो गया, मैटर क्लोज हो गया, बट मैंने सेल नहीं बताया तो वो परचेज बताएगा, उसका डिटेल भी अपने को 1A में मिलेगा, और फिर अपन रेक्टिफाई या रिकंसाइल कर सकता है। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कम्युनिकेशन। जीएसटीआर 1 अपन फाइल करेगा जिससे ऑटोमेटिकली 2A और 4A फॉर्म जनरेट होगा, 2A और 4 को देख के सामने वाला 2 और 4 भरेगा, अगर सब राइट है तो कॉपी पेस्ट करेगा, कुछ मिसिंग है तो वो न्यू एंट्री पास करेगा।
टू और फोर जनरेट होने के बाद ऑटोमेटिकली नया फॉर्म आएगा 1A जो ओरिजिनल सप्लायर को मिलेगा, तो 1 में जो उसने सेल बताया वो 1A से मैच होना चाहिए। सर अगर मैच नहीं हुआ तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर GSTR 1 जो अपन ने फाइल किया था वो, और अगर GSTR 1 ने जो अपने को कम्युनिकेट किया वो अगर मिसमैच हो रहा है तो सप्लायर एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब मैं एग्री कर रहा हूं कि मेरा मिस्टेक है, मैंने क्लासेस डी का नंबर नहीं बताया, तो अगर मेरा मिस्टेक है, मैं मिसमैच एग्री कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं रेक्टिफाई करूंगा। टेबल 9, 10, 11 वो फॉर्म का टेबल है, और मुझे उसके साथ साथ इंटरेस्ट और टैक्स जो नहीं पे किया वो मेरे को पे करना पड़ेगा। तो अगर मैंने क्लासेस डी को सेल किया बट मैंने अपने 1 में नहीं बताया, तो 1A जब मुझे कम्युनिकेट होएगा तो अगर मैं एग्री करता हूं कि मेरा मिस्टेक है, तो जब भी मैं मिस्टेक रेक्टिफाई करूंगा वो मंथ में मैं टैक्स भरूंगा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट पे करूंगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है नीरज ने सेल अप्रैल में एबीसी क्लास को किया था, डी को मई में किया था, बट गलती से डी ने एंट्री अप्रैल में बता दिया, तो मैंने मई में बिल बनाया बट डी ने कभी बता दिया अप्रैल में बता दिया, तो वो केस में उसका मिस्टेक है, तो उसके एंड से मिसमैच हो जाएगा जो GSTR 2 में जाता है। यहां पे अपन अज्यूम कर रहा है कि मिस्टेक सप्लायर का है तो सप्लायर रेक्टिफाई करेगा, रेसिपिएंट का मिस्टेक है तो GSTR 2 में आ जाएगा, वो आगे वाले पार्ट में आ जाएगा। सो मिसमैच GSTR 1 में अगर है अपन एक्सेप्ट करता है तो अपन उसको रेक्टिफाई करेगा। रेक्टिफाई करने के लिए सर क्या हो गया, अप्रैल में मैंने मिस्टेक किया, सपोज जून में मुझे मालूम पड़ा कम्युनिकेशन से कि मेरा मिस्टेक है, तो जब मैं जून में रेक्टिफाई करूंगा ना, तो जून के GSTR 1 में, मतलब हर एक GSTR 1 में एक टेबल 9, 10, 11 है, मतलब टेबल 1, टेबल 2, 9, 10, 11 में अमेंडमेंट हेडिंग ही दिया हुआ है, अमेंडमेंट इन इनवॉइस, अमेंडमेंट इन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड सो ऑन। तो मैं वो 9, 10, 11 कॉलम में जाऊंगा और जो मैंने अप्रैल में मिस्टेक किया था, जो बिल नहीं लिखा था, वो अभी मैं जून में अमेंडमेंट वाले कॉलम में लिखूंगा। या अप्रैल में मैंने सपोज बिल का अमाउंट रॉन्ग लिखा था, तो अगर अमाउंट रॉन्ग लिखा था तो मैं अभी वो अमाउंट रेक्टिफाई करूंगा, तो मेरे को दो पॉइंट रहेगा, अमाउंट रॉन्ग लिखा तो जून के अमेंडमेंट कॉलम में अमाउंट चेंज करूंगा, और अगर अप्रैल में बताया ही नहीं था सेल तो जून में सेल बताऊंगा। अप्रैल का जाके रिवाइज नहीं हो सकता है, जून में मैं बताऊंगा कि अप्रैल का एक बिल मिसिंग था। सो दो मिस्टेक हो सकता है, या तो अमाउंट रॉन्ग लिखा तो वो तो जून में रेक्टिफाई हो जाएगा, बिल ही नहीं बताया अप्रैल में तो वो भी जून में ही रेक्टिफाई होगा, अप्रैल का रिवाइज नहीं हो सकता है। जून के अमेंडमेंट वाले कॉलम में अपन डेट वाइज अमेंडमेंट डालेंगे, अप्रैल का ये है एंड सो ऑन सो ऑन जो भी रहेगा, आई थिंक समझेगा। सो दैट इज अमेंडमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मिसमैच रिपोर्ट। सो व्हाट इज GSTR 1? GSTR 1 इज डिटेल्स ऑफ व्हाट, आउटवर्ड सप्लाई, कौन फाइल करेगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फाइल करेगा, कौन से मंथ, एवरी मंथ फाइल करेगा, स्मॉल टैक्स पेयर है तो क्वार्टरली फाइल करेगा, ड्यू डेट 10th दिया हुआ है, ऑनलाइन अपलोड करने का है, 30 अप्रैल से पहले नहीं कर सकता है, 30 अप्रैल एग्जांपल है अप्रैल मंथ का, और 1st to 10th के बीच में कर सकता है, 11th to 15th नहीं कर सकता है। GSTR 1 जो अपन फाइल करेगा उसमें सेल्स का डिटेल रहेगा, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, इंट्रा इंटर दोनों में अपने को इनवॉइस वाइज डिटेल देने का है, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, इंट्रा में कंसोलिडेटेड, इंटर में 2.5 लाख के ऊपर है तो इनवॉइस वाइज, नहीं तो कंसोलिडेटेड। कम्युनिकेशन, मैं जो GSTR 1 भरूंगा उससे ऑटोमेटिकली दो फॉर्म जनरेट होगा, 2A 4A, 2A नॉर्मल लोगों को मिलेगा, 4A कंपोजिशन को मिलेगा, जिसको देख के उन लोग 2 और 4 भरेंगे। अगर 2 और 4 और 1 मेरा जो फाइल किया वो सब बराबर है, मैंने सेल बराबर बताया, उन्होंने परचेज सेम बताया, तो एवरीथिंग इज प्रॉपर, मैटर उधर ही क्लोज हो जाएगा। बट अगर मिस्टेक है तो मिस्टेक अगर सप्लायर एक्सेप्ट करता है तो सप्लायर चेंजेस करेगा, टैक्स भरेगा, इंटरेस्ट भरेगा, और चेंजेस जो मंथ में हो रहा है वो मंथ के रिटर्न में अमेंडमेंट कॉलम में जाके करेगा। पुराना रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता है, करंट मंथ के रिटर्न में अमेंडमेंट वाले कॉलम में जाके अपन चेंजेस करेगा। आई थिंक इतना पॉइंट समझता है। अभी टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन, सर अगर आपने सेल्स रॉन्ग बताया, 1 लाख का जो सेल्स था वो आपने रॉन्ग बताया, या तो सेल्स बताया ही नहीं, तो सर 4 साल बाद उठ के आप बोलेगा कि मैंने 4 साल पहले कोई मिस्टेक किया था, तो गवर्नमेंट सुनेगा क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट रखा है, कभी तक तुम लोग रेक्टिफाई कर सकता है। तो टाइम लिमिट में तुम लोग को 2 मिनट दे रहा हूं, प्लीज ये स्टेटमेंट रीड करना, नहीं तो समझेगा नहीं, रीड इट प्रॉपरली।
अगर सपोज मैंने अप्रैल 2020 में मिस्टेक किया है, सो अप्रैल 2020 में मिस्टेक किया है तो आइडियली मेरे को रेक्टिफाई कर देना चाहिए जब मेरा मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गया। बट फॉर एनी रीजन, सपोज मेरे और रेसिपिएंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो एनी रीजन की वजह से अगर मैंने रेक्टिफाई तभी नहीं किया तो जब भी मैं रेक्टिफाई करूंगा मुझे इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट 18% पर एनम आता है, सुन रहे हो क्या? हाँ, अच्छा। अब कभी तक रेक्टिफाई कर सकता है, तो अगर 2021 का मिस्टेक है तो तुम रेक्टिफाई कर सकता है मैक्सिमम बाय द ईयर 2021-22, नेक्स्ट ईयर तक ही रेक्टिफाई कर सकता है, उसके बाद भूल जाने का। सर नेक्स्ट ईयर में कब तक रेक्टिफाई कर सकता है? तो द डेट ऑफ फाइलिंग मंथली रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच डिटेल पर्टेंस। वापस से मैं पढ़ू क्या? द डेट ऑफ फाइलिंग मंथली रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मतलब सितंबर मंथ का जो अपन मंथली रिटर्न भरता है। सर मैंने बहुत बार बोला है मंथली रिटर्न मतलब GSTR 3, डिटेल ऑफ सेल बोलेगा तो GSTR 1, डिटेल ऑफ परचेज बोलेगा तो GSTR 2, बट मंथली रिटर्न या रिटर्न वर्ड लिखेगा तो GSTR 3 है। GSTR 3 का जो ड्यू डेट है सितंबर मंथ का ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो 2021 में अप्रैल में मिस्टेक है, मई में है, जून में, कोई भी मंथ में होगा। 21-22 में जो सितंबर मंथ है उसका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट, तो मंथली रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है 20 अक्टूबर, तो गवर्नमेंट बोलता है 20 अक्टूबर तक तुम लोग रेक्टिफाई कर सकता है ऑफ द नेक्स्ट ईयर, उसके बाद रेक्टिफाई हो ही नहीं सकता है। सो व्हाट इज टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन? 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। सर आगे और एक लाइन लिखा है, द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। क्या लिखा है? द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। सर एनुअल रिटर्न तो अपन ने 31 दिसंबर पढ़ा था, तो सर इधर तो दो डेट दे दिया है, एक डेट 20 अक्टूबर दिया है और एक डेट 31 दिसंबर दिया है, तो सर दोनों में से कौन सा डेट लेने का है? तो गवर्नमेंट ने विच एवर इज अर्लियर बोला है। क्या बोला है? विच एवर इज अर्लियर, वो लिखा हुआ नहीं है, प्लीज ऐड कर देना विच एवर, तुम्हारे शीट में रहेगा, टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी रहेगा विच एवर इज अर्लियर। तो सर 20 अक्टूबर कौन सा डेट है? सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का डेट। 31 दिसंबर कौन सा डेट है? सर एनुअल रिटर्न का डेट। तो सर 20 अक्टूबर और 31 दिसंबर में अर्लियर तो 20 अक्टूबर ही रहेगा, तो ये डाला ही क्यों सर? तो ये इसलिए डाला है बिकॉज सेकेंड पॉइंट में ऐसा लिखा है डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न। तो व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न? तो एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर है, बट जरूरी थोड़ी ना है मैं 31 दिसंबर को ही भरेगा, मैं एनुअल रिटर्न पहले भी तो भर ही सकता हूं। तो अगर मैंने एनुअल रिटर्न सपोज 31 दिसंबर को भरा तो 20 अक्टूबर के बाद मैं अपना मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं कर सकता हूं, बट अगर मैंने 4th अगस्त को सपोज एनुअल रिटर्न भर दिया तो गवर्नमेंट बोलता है 4th अगस्त के बाद रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज एनुअल रिटर्न भर दिया मतलब तुम्हारा बुक्स क्लोज हो गया, अब हम लोग रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर मिस्टेक है, सप्लायर ने एक्सेप्ट किया कि मेरा गलती है मैं सुधारूंगा, तो कभी तक सुधार सकता है, तो नेक्स्ट ईयर के 20 अक्टूबर डेट फिक्स है बस, या तो 20 अक्टूबर या तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। रिपीट करो ना, 20 अक्टूबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो अगर एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर के बाद फाइल किया तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट है रेक्टिफिकेशन का, बट एनुअल रिटर्न पहले फाइल कर दिया तो जो डेट पे एनुअल रिटर्न फाइल किया है वो डेट तक ही रेक्टिफाई हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। सो दैट इज टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन इन GSTR 1, नेक्स्ट ईयर का 20 अक्टूबर या तो एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ओके, लास्ट छोटे मोटे पॉइंट है GSTR 1 से रिलेटेड। पहला पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर सेल्स नहीं होएगा तो भी निल रिटर्न फाइल करने का है। दूसरा पॉइंट मेरे को बोलता है अगर अप्रैल का मैंने GSTR 1 फाइल नहीं किया, सर अप्रैल का GSTR 1 का डिटेल कभी तक देने का है? 10th मई तक। मैंने सपोज नहीं फाइल किया, मई मंथ का डिटेल कभी जाएगा? 10th जून तक। तो मैं 10 जून को मई मंथ का रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट बोलता है पोर्टल ऐसा डिजाइन लेके एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, पहले अप्रैल का GSTR 1 फाइल करो फिर ही मई का एक्सेप्ट होएगा। तो GSTR 1 करंट मंथ का तभी एक्सेप्ट होएगा जब तुम लोग ने पहले सारे महीने के GSTR 1 फाइल कर दिए होंगे। अगर सेल नहीं है तो निल रिटर्न फाइल करो, बट फाइल तो करना ही पड़ेगा।
डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है कि सर इनवॉइस अपलोड करने का है, मतलब क्या? बार बार आपने बोला सर इनवॉइस वाइज डिटेल, मैंने बार बार बोला है इनवॉइस वाइज डिटेल देने का है, इनवॉइस अपलोड नहीं करने का है। तो अपने को इनवॉइस का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं करने का है, सिर्फ इनवॉइस का डिटेल देने का है कि इनवॉइस नंबर ये है, डेट ये है, पार्टी का जीएसटी नंबर ये है, सेल्स जीएसटी एंड सो ऑन। आई थिंक समझेगा। लास्ट पॉइंट मेरे को बोलता है कि है ना जीएसटी आर वन सबमिट करने के लिए, मैंने सपोज जीएसटी आर वन डाउनलोड किया, उसमें डेटा फिल किया, गवर्नमेंट के पोर्टल पे अब तक सबमिट नहीं किया, तो सबमिट नहीं किया तो उसके पहले जितने बार डेटा चेंज करने का है कर सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सबमिट करने के बाद चेंज करने का है तो रेक्टिफिकेशन में आएगा, नहीं तो रेक्टिफिकेशन में नहीं आता। सो दैट इज अदर एस्पेक्ट्स ऑफ जीएसटीआर वन। निल रिटर्न फाइल करना जरूरी है अगर सेल्स नहीं है तो भी। करंट मंथ का रिटर्न तभी फाइल कर सकते हो जब पहले वाले रिटर्न फाइल हो गए होंगे। जीएसटीआर वन अपलोड करने के लिए आप लोग को सारे इनवॉइस अपलोड करने का नहीं रहता है, इनवॉइस का डिटेल वो फॉर्म में डालने का रहता है। जब तक फॉर्म सबमिट नहीं करते हो तब तक डिटेल्स तुम लोग अपने आप मॉडिफाई डिलीट जो करने का कर सकते हो। जीएसटीआर वन इज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मैंने बार बार बोला है, मैं उसको रिटर्न्स बोलता हूं बट गवर्नमेंट रिटर्न्स नहीं मानता है, गवर्नमेंट रिटर्न्स जीएसटीआर थ्री को मानता है जिसमें उसको टैक्स का पेमेंट मिलता है। आई थिंक समझेगा। सो दैट इज जीएसटीआर वन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। नेक्स्ट पार्ट में जीएसटीआर थ्री पढ़ाऊंगा, टू अपने सिलेबस में नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझ जाएगा।